गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए इंस्पायर मनक अवार्ड के लिए पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स इस साल सेलेक्ट हुए हैं। पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के टोटल 3 ब्रांच हैं। पहला ब्रांच कड़पा डिस्ट्रिक्ट में और बाकी 2 ब्रांच गुलबर्गा शहर के हागरगढ़ रोड, अमन नगर और मिसबा नगर एमएस के मिल में मौजूद हैं। खुशी की बात यह है कि पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के तीनों ब्रांच से स्टूडेंट्स इंस्पायर मनक अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को 10,000 रुपया कैश प्राइज भी दिया जाता है। गुलबर्गा शहर की अगर हम बात करें तो मिसबा नगर एमएस के मिल से 2 स्टूडेंट्स और हागरगढ़ रोड अमन नगर से 1 स्टूडेंट, यानी कुल 3 स्टूडेंट्स गुलबर्गा शहर से सेलेक्ट हुए हैं। पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा शहर में दुनियावी और दीनी तालीम के लिए जाना जाता है। इंस्पायर मनक अवार्ड के लिए सेलेक्ट होने पर स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स को इन्वाइट कर स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से फेलिसिटेट कर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है। स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स ने पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल की तालीम की तारीफ कर कहा, यहाँ दुनियावी और दीनी तालीम दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आई एम सैयद जानमीर फ्रॉम 7th ग्रेड एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट माय पेरेंट्स केम प्राउडली एंड माय टीचर्स आर प्राउड ऑफ मी एंड माय प्रिंसिपल इज प्राउड ऑफ मी एंड द डायरेक्टर एज वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम सेलेक्टेड इन दिस इंस्पायरेशन अवार्ड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्कूल एंड माई स्कूल ब्रांचेस। जजाकल्लाह। मेरे भाई उमर फारूक पटेल जो है इंस्पायर अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए हैं स्कूल की तरफ से, जो इन लोगों ने नॉमिनेट किया था बच्चों का नाम। तो यहाँ पे जो तालीम का जो माहौल है, एजुकेशन का, वो काफ़ी एक आला दर्जे का माहौल है, जहाँ पे बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट मिलता है टीचर्स की तरफ से, चाहे वो पढ़ाई में हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, या कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन हो। एक तालीम हासिल करने का और एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इनके पास एक बहुत ही बेहतरीन माहौल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आई एम सैयद ज़ैनब सिस्टर एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ज़ैनब इज़ स्टडीइंग इन दिस स्कूल बिकॉज दिस स्कूल हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर चिल्ड्रन, देयर स्टूडेंट्स एंड they have very the school has inspired children to get this award, alhamdulillah, and it have very good Islamic knowledge as well as academic knowledge which is important for this world and Islamic knowledge which is important for akhirah. They are teaching both the education, both the knowledge to the children, and its school is very very good and I'm very glad that Zainab is studying in this school and I hope this school get very famous in the area in this India because Islamic knowledge is very important as well and every Muslim should get Islamic knowledge which is giving with this school is giving this Islamic knowledge and I'm very glad that Zainab is getting that Islamic knowledge. She is learning Quran as well as translation. She knows the knowledge of our prophets, stories of our prophets which we don't know because we didn't study that much, but Zainab teaches at home also and I'm very glad that Zainab have this knowledge and I'm very glad that this school is teaching this knowledge and I hope this school go well in future also and I'm very happy that Zainab is selected for the best inspirational student. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, Peace Islamic International School running successfully since from many years. Mizbah Nagar Peace Islamic International School, alhamdulillah, running successfully since from 10 years. Every year, our school students, we apply for Inspire Manak Award. And alhamdulillah, I'm glad to inform from all our 3 schools, students has been participated and alhamdulillah, selected and win cash prize. Alhamdulillah, this year from all the 3 school students has been selected. From Mizbah Nagar Peace Islamic International School, 2 students, Sayyada Zainab Mir from 7th standard, Umar Farooq Patel from 6th standard. Peace Islamic International School, Aman Nagar, Mirza Aksa has been selected from 7th standard. I congratulate these students and their parents from the bottom of my heart. And I am really proud of this achievement. Children are the future of our country. In our school, we strive to give good morals to each student, as morality is most important in an individual's life. To become a good engineer or a good doctor is more important than becoming an engineer or a doctor. So the goodness comes in
an individual's life by the morality which he or she has. In our school, we try to give all the good morals to our students. We provide both the educations, as you all know, Arabic and academic. In our school, so a child can get success in both the world and hereafter. Other than these educations, we also provide extracurricular activities to our students, like karate, like we organize science exhibitions, we organize food fair, food festivals. We also organize some competitive examinations like essay writing, like drawing competitions, etc., etc. Last week, karate exam was conducted in our school, Alhamdulillah. Our students excelled in it and most of our students got certificates. I congratulate our director, Sir Sayyid Ghaus Pir, for this achievement. And Alhamdulillah, I wish him best of luck that he should get more and more success in his desires. Alhamdulillah. I thanks to my teachers for their hard work giving to this school, helping the students in their studies as well as in their extracurricular activities and building up the personality of a student. I also thank all the non-teaching staff of our school. And of course, my beloved students who work so hard, Alhamdulillah. And lastly, I would like to say, to get success in dunya, we have to go with deen. Deen and dunya, both are important and very, very important in an individual's life. I request all the parents, also thankful to all the parents for supporting their children. And I also request all the parents to get admission, to take admissions in our school so that their children can get benefits of both deen and dunya. Admissions has been started. I request all the parents to come and take admissions to their children as soon as possible. Jazakallahu khair.